हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड। सो गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और मतलब सीरियसली हमने इस टॉपिक पे अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि टॉप पे कौन सी मतलब कौन सा फाइटर जेट होता है और कौन सी कंट्री का होता है। हाँ, और कौन सी कंट्री का होता है। सो गाइस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 बड़े और तेज रफ्तार हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, हर मुल्क की ये कोशिश रही है कि इसकी फिजाइया के पास ताकतवर तरीन और तेज तरीन हथियारे मौजूद हों। इस सिलसिले में मुल्कों के दरमियान, खास तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों के दरमियान एक दौड़ लगी हुई है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशा है। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के पास भी इन 10 हथियारों में से कोई हथियारा मौजूद है या नहीं, और अगर है तो कौन सा, और अगर नहीं है तो पाकिस्तान किस हथियारे को पसंद करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के तेज तरीन हथियारों के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाजिक नामी 10वें नंबर पर जो तेज तरीन हथियारा बनाया गया है उसका नाम है चेंगडू J10, जो चीन ने तैयार किया है। ये एक कॉम्बैट हथियारा है जो चीन की ही एक दिफाई कंपनी ने तैयार किया है। इस कंपनी का नाम भी चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन है। इस हथियारे को चीन की फिजाइया में शामिल किया गया है और ये हथियारे चीन की फिजाइया में बड़ी तादाद में शामिल है। इसके पहली परवाज का तजुर्बा 1992 में किया गया था, जो कामयाबी से हमकिनार हुआ। इसके साथ साथ चीन ने इसको 2003 को अपनी फिजाइया में शामिल कर लिया था। नाजीनामी, चीन ने अब तक 450 के करीब चेंगडू हथियारे बनाए हैं। चीन ने जितने भी हथियारे अब तक बनाए हैं उनमें सबसे ज्यादा तेज रफ्तार हथियारा चेंगडू J10 ही है। इस हथियारे की रफ्तार आवाज की रफ्तार से दोगुनी है। नाजीनामी, 9वें नंबर में तेज तरीन रफ्तार के लिहाज से जिस हथियारे का नाम सामने आता है वो फ्रांस का बनाया हुआ मेराय 2000 है। ये भी एक जंगी हथियारा है और मल्टी रोल हथियारा है। ये हथियारा 1970 में तैयार किया गया था और फ्रांस ने अब तक जितने भी हथियारे बनाए हैं उनमें सबसे तेज रफ्तार हथियारा यही है। फ्रांस ने अब तक 650 की तादाद में ये हथियारे बनाए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जेर इस्तेमाल भी हैं। मिराज 2000 तैयारी के बाद 1978 में परवाज के लिए भेजा गया, जो कामयाब रहा। उसके 6 साल के बाद फ्रांस ने इस हथियारे को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया था। इसकी रफ्तार भी आवाज की रफ्तार से दोगुनी है, यानी कि इसकी रफ्तार 2336 किलोमीटर फी घंटा है। इससे पता चलता है कि चीनी J10 और मिराज 2000 रफ्तार के लिहाज से एक जैसे ही हैं। नाजीगामी, इसके बाद 8वें नंबर पर जो हथियारा है वो अमेरिका का बनाया हुआ हथियारा है। इस हथियारे का नाम F-22 है। ये एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हथियारा है। प्यारे दोस्तों, स्टेल्थ हथियारा वो हथियारा होता है जो रेडारों की रेंज में नहीं आता और उससे बचकर अपना टारगेट तबाह कर देता है। ये हथियारा 5th जनरेशन का हथियारा है और अमेरिका ने इसे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बनाया है। इसको अमेरिका की ही मशहूर कंपनी ने बनाया है, जो कि सिर्फ अमेरिकी फिजाइया के दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये हथियारा 1986 में तैयार किया गया था, लेकिन इसकी पहली परवाज 1991 में भरी गई, इसलिए कि काफी साल तक इस पर तजुर्बात किए जाते रहे। उसके 14 साल बाद अमेरिकी फिजाइया में ये हथियारा शामिल किया गया। अमेरिका ने सिर्फ 195 जंगी हथियारे बनाने के बाद इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया था। इसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा है। अमेरिका के इस हथियारे को दुनिया के बेहतरीन जंगी हथियारे का एजाज भी हासिल है। नाजीनामी, दुनिया का 7वें नंबर पर तेज तरीन हथियारा रूसी साख्ता का है। इसका नाम SU-57 है। ये भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हथियारा है। इस हथियारे को अमेरिकी हथियारे का हम पल्ला कहा जा सकता है। ये भी 5th जनरेशन का हथियारा है और इसे रूस की ही एक दिफाई कंपनी ने तैयार किया है। इस हथियारे को तैयार करने का काम 2002 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन 12 साल की कोशिश के बाद इसकी परवाज भरी गई। इसकी रफ्तार 2450 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है। अमेरिका के हथियारे से इसका मुआवजना किया जाए तो रूसी हथियारा रफ्तार में उससे 35 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा है। नाजीनामी, 6वें नंबर पर बरतानिया का हथियारा यूरो फाइटर टाइफून है, जो बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया है। ये हथियारा बरतानिया के पास मौजूद हथियारों में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार हथियारा है।
इसकी पहली परवाज 1986 में भरी गई थी, लेकिन 2003 में इस त्यारे को बरतानिया ने अपनी फिजाइया में शामिल कर लिया था। इस त्यारे की तैयारी के दौरान बहुत से मसाइल पैदा हुए, लेकिन आखिरकार इसे तैयार कर लिया गया। इसकी रफ्तार 2495 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है। नासिक नामी पांचवे नंबर पर जो तेज तरीन त्यारा सामने आता है उसका नाम SU-27 है। ये भी रूसी साख्ता त्यारा है। इस त्यारे की तैयारी 1970 में शुरू की गई थी और अब तक रूस ने एक बड़ी तादाद में इन त्यारों की तैयारी कर ली है। कहा जाता है कि इस वक्त रूस ने 800 के करीब ये त्यारे बना लिए हैं। इस त्यारे के बारे में माहिरीन कहते हैं कि ये एक भारी भरकम त्यारा है और वजनी त्यारों में इसका शुमार होता है। 1970 में ही इस त्यारे की कामयाब परवाज भरी गई थी और 15 साल के बाद इसे रूस की फिजाइया में शामिल किया गया था। रूस ने इस त्यारे की मार्केटिंग भी की और मुख्तलिफ ममालक को फरोख्त भी किए। इस वक्त भी दुनिया के बहुत से ममालक के पास रूसी साख्ता के SU-27 त्यारे मौजूद हैं। इस त्यारे की रफ्तार भी 2495 किलोमीटर फी घंटा है। नाज़िक-ए-आमिये बात करते हैं अमेरिका के त्यारे मैकडोनल्ड डोगलस F-15 की, जो दुनिया के चौथे तेज तरीन त्यारों में शामिल है। इसकी तैयारी 1959 में शुरू की गई थी और अमेरिका ने ये सोचा था कि दुनिया के तेज तरीन त्यारे बनाए जाएं। चुनाचे 3 साल की मेहनत के बाद अमेरिका दुनिया का ये त्यारा बनाने में कामयाब हो गया, जो चौथे नंबर पर तेज रफ्तार की वजह से शुमार होता है। अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स में इसे 1973 में शामिल किया था। अमेरिका अब तक ये त्यारे तैयार कर रहा है और इस वक्त अमेरिका इन जैसे 1200 त्यारे बना चुका है। इसकी रफ्तार जो बताई जा रही है वो 2665 किलोमीटर फी घंटा है। दुनिया का जो पांचवे नंबर पर तेज तरीन त्यारा है उससे 170 किलोमीटर फी घंटा इसकी रफ्तार जायद है। नाज़िक-ए-आमिये तीसरे नंबर पर जो तेज तरीन त्यारा शुमार किया जाता है वो है रूसी त्यारा MiG-21। ये भी रूस की ही एक दिफाई कंपनी ने तैयार किया है। ये डुअल पर्पज त्यारा है और दुश्मन के त्यारों को तबाह करने और दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस त्यारे की प्रोडक्शन 1992 में बंद कर दी गई थी। इसकी पहली परवाज 1975 में भरी गई, जो कामयाब हुई और कोई भी नुक्स सामने ना आया। 2 साल के बाद इस त्यारे को रूसी फोर्सेस में शामिल कर लिया गया। इस त्यारे की रफ्तार 2995 किलोमीटर फी घंटा है। नाज़िक-ए-आमिये दूसरे नंबर पर दुनिया का तेज तरीन त्यारा अमेरिकी साख्ता है। इसका नाम S-15 स्ट्राइक ईगल है। ये भी एक मल्टी रोल जंगी त्यारा है। इसकी तैयारी 1983 में शुरू की गई थी और 1988 में इसकी तकमील हो गई थी और साथ ही इसे अमेरिका की फिजाइया में शामिल कर लिया गया था। अमेरिका अभी तक इन त्यारों की प्रोडक्शन कर रहा है। ये त्यारे अमेरिका ने 400 के करीब बना लिए हैं। ये त्यारा दुनिया के तेज तरीन जंगी त्यारों में से एक है, जो 3000 किलोमीटर फी घंटा की जायद रफ्तार से महवे परवाज हो सकता है। नाज़िक-ए-आमिये अब हम आपको दुनिया के नंबर 1 त्यारे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दुनिया का तेज तरीन त्यारा है। इस त्यारे का नाम फास्टेस्ट MiG-29 है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा तेज रफ्तार जंगी त्यारा है। इसे रूस ने 1960 में तैयार करना शुरू किया था और 70 की दहाई के बाद रूस ने इसे अपनी फिजाइया में शामिल कर लिया था। इन त्यारों की प्रोडक्शन 1983 तक जारी रही। रूस ने इस दौरान 1100 के करीब ये त्यारे बनाए। इस त्यारे की रफ्तार 4099 किलोमीटर फी घंटा शुमार की जाती है। नाज़िक-ए-आमिये अब हम आपको उस सवाल का जवाब देते चले कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कोई त्यारा है जो इन 10 त्यारों में शामिल हो, तो इसका जवाब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपने GF-17 थंडर ब्लॉक 4 के बारे में कोशिश कर रहा है कि इस त्यारे की रफ्तार आवाज की रफ्तार से दुगनी रखी जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब होकर दुनिया के तेज तरीन त्यारों की सफ में जरूर खड़ा होगा। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगा रखिएगा। अल्लाह निगेबान। सो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा मतलब अलग थी, बहुत हमें अच्छा लगा, बहुत कुछ पता चला। और सीरियसली हम स्टार्टिंग में हम यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान का कोई ऐसा फाइटर जेट होगा जो कि मतलब मुझे बीच में ऐसा लगने लग गया था कि टॉप पे आई थिंक पाकिस्तान का ही है। बहुत देर से आया नहीं था, तो लग रहा था पे फिर पाकिस्तान का हो सकता है। बट ऐसा है कि अभी बन रहा है और उन्होंने मतलब ऑब्वियसली उसके जो फीचर्स होंगे बहुत ज्यादा एडवांस होंगे और जैसे उन्होंने बताया कि इतनी तेजी होगी उसकी आवाज से भी तेज। हाँ। तो लाइक सीरियसली अच्छी बात है और ऐसा मतलब काम चल रहा है। अभी आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं ये करने की, अब देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। बट ऐसा लगता है कि यार, वो भी जाएगा क्योंकि किसी चीज के लिए इतना हार्ड वर्क करना और इतना
मतलब सोच समझ के अगर कर रहे तो ऑब्वियसली होगा, हो जाएगा। बट इस वीडियो में नंबर वन पे रशिया था, नंबर एंड आई थिंक रशिया के चार हो गए ना, पूरे फाइटर जेट्स, हाँ, okay, और चार फाइटर जेट्स और अमेरिका, अमेरिका के तीन है, फ्रांस के एक है, एंड ब्रिटेन, ब्रिटेन का भी एक, लेकिन रशिया का मैं सच में शॉक्ड हूँ कि उसके टोटल फोर, मुझे चाइना का, हाँ मुझे चाइना का लग रहा था ज्यादा होंगे, बट चाइना का एक ही था, बट सीरियसली मतलब देखकर ऐसी वीडियो हमने अभी तक नहीं देखी फाइटर जेट टाइप की, तो बहुत ज्यादा अलग थी वीडियो और हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इससे हमें पता चला कि अभी पाकिस्तान में भी काम चल रहा है इस चीजों के ऊपर और सबसे टॉप पे है रशिया। और गाइज आप लोग बताना, आप लोगों को ये चीजें पता थी कि नहीं पता थी, और आपको ये पता था कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई फाइटर जेट बन रहा है। सो गाइज आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।